अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रामपुर की। रामपुर विधानसभा के भवनपुर गांव में एबीपी गंगा की टीम पहुंची। यहां एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी ने गांव की महिलाओं से बातचीत की। आपको सुनवाते हैं, महिला मतदाताओं के दिल में आखिर है क्या। मैं रामपुर की एक अनुसूचित बस्ती पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे तमाम सारी अनुसूचित जाति की महिलाएं मेरे साथ हैं। इनसे जानेंगे, इनसे बातचीत करके कि इनकी बस्तियों के लिए आखिर क्या हुआ है, इनको क्या कुछ सरकार की ओर से मिला, और जब ये लोग वोट करने जाएंगी तो इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, किसे अपना उम्मीदवार चुनेंगी। आप बताइए कि आप लोग की बस्ती में कितना काम हुआ है। बहुत काम हुआ है, सब काम हो रहा है, काम बहुत हो रहा है, पर वोट मोदी जी को ही आएगा। आजम खान को आप क्या मानती है कि आजम खान यहाँ पे काम किए हैं। कुछ नहीं मानते हैं, उन्होंने करा क्या है, कुछ करा ही ना उन्होंने, तो यहाँ पर कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया है यहाँ पर। आप बताइए कि आप लोग किसको वोट करने वाले, क्योंकि परसों आप लोग को मतदान करने के लिए जाना है। मोदी जी को देंगे वोट, और किसे देंगे, किसी को नहीं देंगे, मोदी जी को देंगे। आजम खान चूंकि यहाँ से इतने वर्षों तक विधायक रहे हैं, इस बार भी लड़ रहे हैं चुनाव, ना कुछ नहीं करा उन्होंने, इस बस्ती में कुछ नहीं कराया है। आप लोग के लिए यहाँ पे, आप लोग के लिए यहाँ क्या कुछ सरकार की ओर से मिला है। सब कुछ मिला है, 1000 रुपए डाले हैं मोदी जी ने, अच्छा करा है, सब कुछ आया। अरे लड़कियों के लिए भी सब कुछ है, वो है लड़कियों के शादियों के लिए कुछ कर रहे हैं, 50-50, 60-60 हजार रुपए दे रहे हैं, दहेज बार भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं मोदी जी, तो उन्होंने क्या दिया, कुछ भी ना दिया गरीबों को। आप लोग क्या सोच के वोट करने जा रहे हैं, जब परसों आप लोग वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के आप लोग वोट डालेंगे, क्या मन में रहेंगे। मन में रहेंगे मोदी को देंगे वोट, दुनिया की चीज दे रहे हैं, बस राशन भी दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं, छत भी फिर देंगे, जीत जाएंगे तो। आजम खान ने यहाँ कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं करते। आप लोग कितने सालों से यहाँ पे हैं? किसे साल से होगा, रही रहे हैं। आप लोग बताइए कि आप लोग इसी गांव के रहने वाली हैं, आजम खान ने क्या कुछ इस गांव के लिए किया है। इस गांव में कुछ नहीं करा है, मोदी जी ने सब कुछ करा है इस गांव में, कॉलोनी भी दिलवाई है, गैस भी दिलवाए, सब कुछ दिलवा रहे हैं। नेता आते हैं आप लोग की बस्तियों में? आते तो क्या आप लोग उनसे क्या शिकायत करती है, क्या करते हैं, वोटों को कहते हैं हमें देना वोट, हम तो मोदी जी को देंगे वोट, और क्या। आप लोग बताइए कि आप लोग की बस्तियों में क्या प्रमुख काम हुए हैं, खासतौर से इस सरकार में, क्योंकि सरकार के में दलितों के लिए बड़ा काम किया है। सबसे पहले कॉलोनी है, सबसे ज्यादा बनी है इस मोहल्ले में, कॉलोनी बनी है, शौचालय बने हैं, और राशन 2 दफे मिल गया है मुफ्त का, सबसे ज्यादा औरतों की सुरक्षा बहुत ज्यादा करी है योगी जी ने, योगी जी को ही वोट देना हमें तो। आजम खान लगातार 1980 से यहाँ से विधायक हैं, अब देखना यह कि क्या इस बार बीजेपी उनको हराने में कामयाब होती है, या फिर 10 मार्च को वही नतीजे आते हैं जो अब तक आते रहे हैं। कैप्शन कपिल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, रामपुर।